जनपद गाजियाबाद के थाना टोनिका सिटी पुलिस ने लूट करके भाग रहे तीन छात्र बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि पहले भी राहगीरों से कई मोबाइल झपट मार कर छीन चुके हैं। चेकिंग के दौरान सुबह करीब 6 बजे सिद्ध बाबा मंदिर के पास से पुलिस ने तीन छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से एक तमंचा, दो कारतूस, दो चाकू व लूटे हुए 4800 रुपए पुलिस ने बरामद कर तीनों लुटेरों को जेल भेज दिया। ये 26 तारीख को शाम को 7:30 बजे के करीब ये चौरसिया पान भंडार है पावी पुस्ता रोड पर, मेन रोड पर, वहाँ पे ये कुछ संदिग्ध लुटेरे आज इन्होंने सिगरेट की मांग करी दुकानदार से और उसके गले से इन्होंने 7000 रुपये छीन लिए। हमारी पूरी पुलिस टीम लगी हुई थी, हमने लूट का मुकदमा लिख लिया था तत्काल उसी समय और पुलिस की चेकिंग चल रही थी अच्छे से। आज सुबह करीब 6 बजे ये सिद्ध बाबा मंदिर के पास से तीन संदिग्ध व्यक्ति मतलब दिखाई दिए, जिनको पुलिस ने रोका और पूछताछ में इन्होंने इस घटना का खुलासा किया जो उस दिन घटित हुई थी 26 तारीख को। इनके पास से 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस नाजायज, 2 अदद चाकू और उस 7000 रुपये जो लूटे गए थे उसमें से 4800 रुपये नकद बरामद हुए और घटना में प्रयुक्त इनकी जो मोटरसाइकिल थी FZ ये बरामद हुई। ये जो तीनों अभियुक्त हैं ये सातिर किस्म के अपराधी हैं, पहले भी इन्होंने कई घटनाएं कर चुका है चुके हैं मोबाइल छिनैती वगैरह। इसमें एक मुकेश है, दूसरा चमन खान है, तीसरा पवन है। ये सातिर अपराधी, इनका और सीधा तलाशा जा रहा है, इनका अपराधी का इतिहास DCRB के थ्रू तलाशा जा रहा है और पुलिस ने बहुत अच्छा गुड वर्क किया है, 48 घंटे के अंदर घटना को वर्कआउट किया है टोनिका सिटी पुलिस ने और इनके शेष जो आपराधिक इतिहास अगर कोई है कहीं और घटनाएं की हैं तो उनको लिंक किया जो बदमाश हैं जो आ रहे थे।